राजस्थान के पाली जिले में अभी शांति है, लेकिन सांप्रदायिक हिंसा की वजह से वहां अब भी तनाव बना हुआ है। अफवाहों को रोकने के लिए प्रशासन ने इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी है और शांति व्यवस्था कायम करने के लिए भारी संख्या में सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। पाली के जैतारण कस्बे में उस वक्त हिंसा भड़क उठी थी जब कस्बे में हनुमान जयंती की झांकी निकाली जा रही थी। एबीपी न्यूज संवाददाता मनीष शर्मा जब पाली जिले के जैतारण कस्बे में हुई हिंसा का जायजा लेने पहुंचे तो वहां सन्नाटा पसरा दिखा। कस्बे में धार्मिक उन्माद थमा दिखा, लेकिन धर्म के नाम पर शनिवार को अधर्म का जो खेल खेला गया था उसके नामो निशान आज भी दिख रहे थे। जुलूस पर पथराव के बाद स्थिति भगदड़ की मच गई और इसी दौरान कई असामाजिक तत्वों ने दुकानों पर आग लगा दी। देखा जा सकता है ठीक मेरे पीछे एक दुकान है जिसमें से अभी भी धुआं निकल रहा है। इसका शटर तोड़ दिया गया है और आग लगा दी गई है। पूरी दुकान को और उसके ऊपर बने मकान को आग के हवाले कर दिया गया। बताया जाता है कि जिस वक्त दुकान में आग लगाई गई उस वक्त कोई भीतर नहीं था और लोग भाग गए थे ये देख करके कि शहर में हिंसा की घटनाएं लगातार हो रही हैं। जैतारण कस्बे की सांप्रदायिक आग थम चुकी है, लेकिन फिजा में धुआं अब भी उठ रहा है और अब तलाश हो रही है उन असामाजिक तत्वों की जिन्होंने जैतारण की खुशहाल जिंदगी पर ताला जड़ दिया है। राजस्थान के पाली जिले का जैतारण कस्बा, इस वक्त मैं जैतारण कस्बे के बस स्टैंड की तरफ जाने वाली सड़क पर खड़ा हूं। इसी सड़क पर शनिवार को हनुमान जयंती की शोभा यात्रा निकल रही थी कि अचानक शोभा यात्रा पर पथराव शुरू हो गया। जब तक पुलिस कुछ समझ पाती तब तक कुछ लोग घायल हो गए। इसके बाद भीड़ जो है अशांत हो गई, पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े, लाठीचार्ज करना पड़ा। उत्तेजित भीड़ ने कई दुकानों को भी आग के हवाले कर दिया। ये वो तमाम दुकानें हैं जिनमें आगजनी की गई। पाली के जैतारण कस्बे में शनिवार को हिंसा उस वक्त भड़की जब हनुमान जयंती की झांकी इस बाजार से गुजर रही थी। उसी दौरान जुलूस पर पथराव हुआ और फिर देखते देखते पूरा कस्बा सांप्रदायिक हिंसा की चपेट में। क्या हुआ था आपने देखा? कल हमने कुछ नहीं देखा, हम तो ऐसे ही दुकान चला रहे थे, वो लोग भाग रहे थे पीछे से, बोला फिर उधर पत्थर आ रहे, बस इतने सुना था हमने, बाकी हमने कुछ नहीं सुना। बाकी और ये देखा होगा ना, वो तो देख इधर से देख रहे थे हम, खड़े खड़े शांतिपूर्ण से जुलूस निकल रहा था, उसके बाद पत्थरबाजी हुई। और हम 15-20 स्टाफ मिलकर दुकान चला रहे थे, जब तक जुलूस आया था यहाँ, जुलूस आगे तक निकला, यहाँ करीब 1 घंटा और उन्होंने लगाया और काफी नारेबाजी गलत कर रहे थे वो, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा उनको। आगे जाके पता नहीं क्या हुआ, एकदम फिर भीड़ भागती हुई आई कि भाई दंगा हो गया। फिर हमने शटर वगैरह नीचे किए, मेरा सामान अंदर डलवाया मैंने, और जब तक हम अंदर गए उन्होंने मेरी दुकान में बाहर मोटरसाइकिल चला दी। धार्मिक पागलपन में 10 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए जबकि दर्जनों दुकानों को आग के हवाले कर दिया। अब प्रशासन संगीनों के साए में शहर को कैद करके अमन चैन लाने की कोशिश कर रहा है। जैतारण फिलहाल पीसफुल है, स्थिति पूर्णतः नियंत्रण में है, जाब्ता लगा हुआ है, फिलहाल कर्फ्यू जारी है, स्थिति नियंत्रण में है। और अभी का अपडेट यह है कि पाली में हालात काबू में है लेकिन तनाव बरकरार है। खबरों के दौर में ना रहिए बेखबर, हर खबर की हम लेंगे खबर। मेरे साथ जुड़िए रात 9 बजे मास्टर स्ट्रोक सिर्फ एबीपी न्यूज पर। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।